7 अगस्त 1990 ये वो दिन था जब भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। 7 अगस्त 1990 देश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने पिछड़ों को शिक्षा और नौकरियों में हिस्सेदारी देने का ऐलान किया तो आरक्षण विरोधियों ने जबरदस्त विरोध किया। सवर्ण नौजवानों की भीड़ सड़कों पर निकल आई। वीपी सिंह हाय हाय और मंडल कमीशन मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई जगह हिंसक झड़प हुई। आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता बने राजीव गोस्वामी ने तो आत्मदाह तक कर डाला। लागू होने के तुरंत बाद इस देश का अपर कास्ट जो अवैध रूप से सारी जगहों को घेरे हुए था वो सड़कों पर उतर आया। आप जिन्हें तोड़फोड़ की बड़े बड़े संपादकीय लिखे जाने लगे कि मंडल कमीशन के आने के बाद से मेरिट तो ध्वस्त हो जाएगी, इस देश का कबाड़ा हो जाएगा और हम तमाम तरह से गर्त में चले जाएंगे। गोया यह देश स्वर्ण की चिड़िया रहा हो, इसके विश्वविद्यालय टॉप रैंकिंग में रहे हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन खोज यह देश करता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने में जितनी ताकत लगाई गई विरोधियों ने चंद दिनों में ही पूरे देश में आग लगाने का काम किया। सवर्ण बेरोजगारों की भीड़ को लग रहा था कि पिछड़ों के लिए नौकरियां आरक्षित होंगी तो उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंडल कमीशन लागू होने की असली और पूरी कहानी। वो कहानी जिसने हजारों कामगार और मेहनतकश जातियों की पहली पीढ़ी को यूनिवर्सिटी की दहलीज तक पहुंचा दिया। वो कहानी जिसने पिछड़ी जातियों के होनहार अफसरों को लाल बत्ती की गाड़ी में बैठा दिया। दशूद्र के साथ देखिए ओबीसी आरक्षण को हकीकत करने वाले मंडल आयोग की कहानी। आजादी के समय ज्यादातर जायदाद जमींदारों के पास थी और ज्यादातर जमींदार ऊंची जाति से थे। जिसके पास धन होता वो आसानी से आगे बढ़ जाता। ऐसा ही हो रहा था। दलित समुदाय के लोग पिछड़ रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसके पहले अध्यक्ष काका कालेलकर थे। उनकी अगुवाई में लगभग 2 साल के बाद आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस पर अमल करने के बारे में नहीं सोचा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि देश में कुल 3743 पिछड़ी जातियां हैं, जो कि देश की आबादी का लगभग 52% हैं। लेकिन देश में 1931 के बाद से जातिवार जनगणना नहीं हुई थी, इसलिए 1931 की जातिवार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट पेश की। मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ चुकी थी। एक बार फिर से मंडल आयोग की सिफारिशें सिर्फ फाइल्स में सिमट कर रह गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को शासन चलाने का अवसर मिला, लेकिन राजीव गांधी ने भी कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं की। साल 1989 में देशाम चुनाव के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ था। ये वो दौर था जब बोफोर्स घोटाले के दाग से राजीव गांधी का दामन दागदार था और भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को किसी ने सीधे कटघरे में खड़ा किया था। आजादी के बाद पहली बार एक सत्ता 5 साल पूरे होने से पहले ही लड़खड़ा गई थी, जिसे 2/3 बहुमत हासिल था। मामला बोफोर्स तोप की खरीद में कमीशन खाने का था और आरोप लगाने वाला शख्स था देश का रक्षा मंत्री वीपी सिंह। जनता पार्टी की हार के बाद निराश जनता को वीपी सिंह में खीरो दिखाई दिया। 1989 के आम चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। राजा मांडा के नाम से मशहूर वीपी सिंह नौजवानों की उम्मीद बने हुए थे। लोकसभा और यूपी विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे। फतेहपुर में नारा उछला था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इस नारे ने गंगा यमुना के दोआब में बसे जिलों में ऐसा जादू किया कि जनता दल ने सभी 6 सीटों पे भारी अंतर से जीत हासिल की। फतेहपुर से ही सांसद बने वीपी सिंह
बीजेपी से शर्तों के साथ और लेफ्ट से बिना किसी शर्त के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन तो गए, लेकिन विरोधी उनकी घेराबंदी करने में लगे हुए थे। जब वीपी सिंह के खिलाफ विरोधियों ने चक्रव्यूह रचने शुरू किए तो उन्होंने अपने विरोधियों को सियासी समीकरणों से चित करने की रणनीति पर काम किया। सिर्फ 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहने वाले वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया। 7 अगस्त 1990, तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में कर दिया। मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से अलग था। यानी अब मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक देश में अनुसूचित जातियों का 15%, अनुसूचित जनजातियों का 7.5% और ओबीसी का 27% आरक्षण लागू होने से कुल आरक्षण 49.5% हो गया था। उच्च शिक्षण संस्थानों में तो दलितों और आदिवासियों को भी आरक्षण बहुत बाद में मिल पाया, लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो जिन विश्वविद्यालयों को मां सरस्वती का पावन प्रांगण कहा जाता था, ज्ञान की पूरी हेजिमनी ब्राह्मण और अपर कास्ट वर्चस्व में कायम थी, उस हेजिमनी को तोड़ने का मौका मिला। आजाद भारत में पहली बार जिस तरह के शिक्षण संस्थानों का खाब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख ने देखा था, वैसा कोई खाब जो फूले अम्बेडकर पेरियार ने देखा था, उस तरह का विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान पहली बार मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद बनना शुरू हुए। यहाँ ये बात भी याद रखने लायक है कि उस दौरान बहुजन समाज की राजनीति करने वाली पार्टियों ने भी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवाने के लिए खूब आंदोलन किए। लालू प्रसाद यादव से लेकर रामविलास पासवान तक और शरद यादव से लेकर मान्यवर कांशीराम और मायावती तक, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की पैरवी करने वाले नेताओं ने लगातार दबाव डाला। पेरियार की उस लड़ाई के साथ जुड़ती है जो दक्षिण भारत में लगातार आवाज उठाते रहे, फूले की लड़ाई के साथ जुड़ती है, डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई के साथ जुड़ती है और लगातार ये मांग रही संविधान सभा के बहसों के बीच भी कि इस देश की आधी आबादी तकरीबन ऐसी है जो पिछड़े तबके से ताल्लुक रखती है। अनुच्छेद 15(4) जिस पेरियार के दबाव में आया, उस पेरियार की एक विरासत जो दक्षिण भारत में थी, उस विरासत ने 1980 में रिपोर्ट लागू किए जाने के बाद से लगातार दक्षिण भारत में आंदोलन किए और डीएमके एआईडीएमके सबने यह मांग की। हम उत्तर भारतीयता के अतिरिक्त दबाव में उन लोगों की आवाजों को बहुत मध्यम कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में समाजवादी आंदोलनों के कुछ प्रमुख नेताओं ने लगातार सड़कों पर संघर्ष किया। बहुजन वैचारिकी के अगुआ मान्यवर कांशीराम ने सैकड़ों रैलियां की और वो प्रसिद्ध नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो एक साझा आंदोलन था जो लगभग आजादी के बाद से ही चल रहा था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद से बहुत तेज था। उसकी एक अनुशंसा, उसका एक दबाव था जो दो अनुशंसाएं 1990 में आज के दिन ही लागू हो पाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो खुद इस बारे में सार्वजनिक मंचों से कह चुकी हैं। आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए, आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? जब 1989 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1989 में हमारे पहली बार 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे लोकसभा में। मैं खुद भी 1989 में बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। उस समय श्री वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमको कहा कि आप सरकार में शामिल हो जाओ। हमने श्री वीपी सिंह को ये कहा, हम सत्ता में तो शामिल नहीं होंगे, हम आपको भारत से समर्थन दे देंगे, लेकिन हमारी दो बात माननी होगी। पहला ये कि पिछड़े वर्गों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, आप इसको लागू कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, इनको सम्मानित कर दो। तो आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि उस समय तो हमारे विशेष आग्रह पर श्री वीपी सिंह ने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया।
पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में इनको आरक्षण की सुविधा दी, और दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिर्फ दो सिफारिशों को ही लागू किया था, जिसमें शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण की बात थी, जबकि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 पॉइंट में सिफारिशें की थी, लेकिन उन्हें लागू ही नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी कैंडिडेट्स को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में ही ना डालकर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन में भी लागू किया जाए। सरकार से किसी भी तरीके से आर्थिक मदद पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू होना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप चरित्र के हिसाब से अभिजात्य है, इसे बदलकर पिछड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक बनाया जाए। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें खाने और रहने की मुफ्त सुविधाएं हों। भूमिहीन ओबीसी लोगों को जमीन आवंटित की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी 40 सिफारिशों में से सिर्फ दो सिफारिशें ही लागू हो पाई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर मुकम्मल तौर पर लागू कर दिया जाता तो यह ऐसा दस्तावेज है जो इस देश में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय के जो हमारी संभावित गुंजाइश है उसको पूरा कर पाता। मैं इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने को इस देश के आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रांतिकारी कदम के रूप में देखता हूँ। वीपी सिंह भले ही मंडल आयोग की सारी सिफारिशें लागू ना कर पाए हों, लेकिन उन्होंने दो सिफारिशें लागू करके भी एक क्रांतिकारी काम किया था। यहाँ के शोध में तमाम तरह के छोटी जातियों, दलित, आदिवासी और दलितों के साथ पहली बार कुम्हार, लोहार, नाई, बढ़ई, मोची, निषाद और मौर्या, पटेल, कुशवाहा, यादव, ऐसी जातियों के लोग शोध में आने लगे, नौकरियों में आने लगे और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर बनने लगे, और एक पूरा का पूरा चरित्र उच्च शिक्षण संस्थानों का बदला, नौकरियों का बदला और वह समावेशी नजर आने लगे। वीपी सिंह के भाषण का वो हिस्सा आज भी कई लोग याद करते हैं। उन्होंने कहा था, हमने मंडल रूपी बच्चा माँ के पेट से बाहर निकाल दिया है, अब कोई माई का लाल इसे माँ के पेट में नहीं डाल सकता, ये बच्चा प्रोग्रेस ही करेगा। मंडल से राजनीति का ग्रामर बदल गया और एक चेतना डिप्राइव्ड सेक्शन में भी आई, जो पावर स्ट्रक्चर में नहीं थे उनको एक कॉन्सियसनेस आई। जहाँ तक सवाल इसका है कि वीपी सिंह का यह कदम कितना महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इस कदम का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि वीपी सिंह ने ताउम्र इस कदम को लेकर के न कभी माफी मांगी, न खेद व्यक्त किया, न ऐसा किया कि ये सियासी चूक थी। वीपी सिंह अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इस कदम पर कायम रहे और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी इस बात का बहुत बुलंदी से इस्तकबाल किया कि इस देश की आधी आबादी के युवाओं के पास अवसर नहीं है, उनके भीतर एक गुस्सा पनप रहा है, अगर हमने उनको उनका अवसर नहीं दिया तो इस देश के लिए आगे बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए जो एक नरेशन है कि वीपी सिंह ने केवल कुर्सी बचाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, ये बहुत उथला नरेशन है वीपी सिंह के इस कदम का। वीपी सिंह ने निश्चित रूप से जो कदम उठाया उसके लिए उनको उनके तबके के बीच से भी गालियां सुनने को मिली। मंडल आयोग की काट के तौर पर बीजेपी ने कमंडल का नारा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में रथ यात्रा भी शुरू की। आज ओबीसी के हिंदूकरण में लगी बीजेपी ने उस वक्त ओबीसी आरक्षण का कड़ा विरोध किया था। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्जवल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 49.5% कर दी, लेकिन ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर सिस्टम भी लागू कर दिया। ओबीसी समाज के लिए आरक्षण का इंतजाम बाबा साहब ने संविधान में ही कर दिया था,
डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान में आर्टिकल 340 का प्रावधान किया। इस आर्टिकल के मुताबिक सरकार को पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए एक आयोग गठित करने का अधिकार है। संविधान लागू होने के एक साल के अंदर ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना था, लेकिन जब आयोग का गठन नहीं हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को निराशा हुई। 10 अक्टूबर 1951 को जब अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने इस्तीफे में पिछड़ा आयोग न बनाने की वजह से हुई निराशा का भी जिक्र किया था। ओबीसी आरक्षण के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर बीपी मंडल तक तमाम बहुजन नेताओं ने लंबा संघर्ष किया, लेकिन आज भी ओबीसी समुदाय में अपने नायकों के प्रति उदासीनता है। बीपी मंडल जैसे महापुरुष को पिछड़ी जातियां उतना सम्मान तक नहीं देती जितना दलित जातियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या मान्यवर काशीराम साहब को देती हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग चूंकि दलितों और आदिवासियों की तरह सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना का उतना शिकार नहीं रहा, ये अछूत जातियां नहीं सछूत जातियां रहीं, तो इस जातिगत व्यवस्था में हर एक तबके को यह समझाया गया कि आप नीचे वाले से श्रेष्ठ हैं, तो यह श्रेष्ठता बोध एक ऐसे सांस्कृतिक बोध की तरफ ले जाता है जिसने इस अन्य पिछड़े वर्ग का सांस्कृतिक तौर पर बहुत नुकसान किया है, जिसके चलते अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशी राम के सवालों से जुड़ने की बात तो बहुत दूर की है। वे विचारक जो अन्य पिछड़े वर्ग के बीच से ताल्लुक रखते थे उनसे भी ये लोग बहुत जुड़ नहीं पाए। मसलन ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की किताबों को नहीं पढ़ पाए, ज्योतिबा फूले सावित्री बाई फूले को अन्य पिछड़े वर्ग के घरों में आप तस्वीरों में नहीं देख पाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग राम मनोहर लोहिया को कितना स्वीकार कर पाता है, जिसने कहा था कि पिछड़े पावे 100 में 60, यह सवाल अभी भी मौजूद है। अन्य पिछड़े वर्ग के उत्तर भारत के बहुत बड़ी आबादी यह नहीं जानती कि पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ये किन लोगों के नाम है। इन लोगों ने अन्य पिछड़े वर्ग के सांस्कृतिक उत्थान के लिए, हक हुकूक और हिस्सेदारी के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी कुर्बानी दी, कितना कुछ लिखा है, ये आप अन्य पिछड़े वर्ग के घरों में नहीं पाएंगे। उनके घरों में जिन किताबों को होना चाहिए था, सच्ची रामायण की बजाय रामचरितमानस ने कब्जा जमाए रखे हुए है। ऐसे में जरूरत है कि बहुजन समाज एकजुट हो और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करे। आजादी के 4 दशक बाद मंडल कमीशन की सिर्फ 2 सिफारिशें ही लागू हो पाई थी, लेकिन फिर भी लगातार पिछड़े समाज की हकमारी हो रही है। कभी 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर तो कभी लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। ताजा मामला यूपीएससी का है, जहां ओबीसी समाज के 71 कैंडिडेट को आईएएस आईपीएस बनने से रोक दिया गया। ऐसे में जरूरत है कि ओबीसी समाज जागरूक हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर में आर्थिक मदद भेज सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम।